मेरा नाम संदीप विरमानी है। मुझे कुछ 2 साल पहले ये हाइटस हर्निया और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। काफ़ी तकलीफ में था, मैं कुछ खा नहीं पाता था ठीक तरह से, और एक बार तो खून भी मुंह से निकला था क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे चांदे पड़ गए थे। लेकिन डॉक्टर चिराग को मैं जब तब मिला था तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से मुझे मेरे हर प्रश्न का जवाब दिया। 2-3 बार उनको मिला, फिर भी मुझे कुछ विश्वास तब नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, एक पेट का ही एक भाग को लेके एक नया वेल बनाया जाता है। इसीलिए मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवाई। वैद्य जी ने भी मुझे ये कहा था कि ये जो मैकेनिकल प्रॉब्लम होते हैं उसका सर्जरी एक हल होता है, लेकिन उन्होंने मुझे पेट के लिए काफ़ी अच्छी दवाएं दी थी। तब मैं वापस 6 महीने के बाद चिराग जी के पास आया। चिराग जी ने मेरी मैनोमेट्री, पीएचमेट्री का 24 आवर्स का टेस्ट करवाया और उसमें मैं बाहर गया था, मुझे उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। मैं एक मीटिंग भी अटेंड की थी मैंने अपने ऑफिस की, सारा वो पीएचमेट्री का सामान लेके। लेकिन और जिस तरीके से उन्होंने मेरी पीएचमेट्री और एंडोस्कोपी की थी तो उनका, मुझे लगा कि उनका हाथ बहुत ही साफ है और बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया। इसलिए मुझे ज़्यादा विश्वास आया कि इस प्रकार की सर्जरी भी मैं करवा लूँ। कल सुबह मेरी सर्जरी हुई कल, और उसके बाद मैं शाम को ही खाना पीना फिर से मैंने ठीक तरह से शुरू कर दिया। मैंने कुछ खिचड़ी खाई थी कल, आज भी मैंने कुछ उपमा खाया है सुबह, और आज मेरा भी इस वीडियो के बाद मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो 1-1.5 दिन में ही बहुत अच्छी तरीके से सारी मेरी सर्जरी पूर्ण हुई है। लोग कुछ कहते थे कि कई बार आपको गले में नई चीज़ उतारने में, खाने को उतारने में तकलीफ़ होगी, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं हुई है मुझे। और मैं तो यही सबको एडवाइस देता हूँ कि ये अच्छी सर्जरी है, अगर डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर इसमें बेफिक्र, बिना डरे हुए इस सर्जरी को करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप विरमानी है और कुछ 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। ये जो लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मेरी जो अन्न नड़ी है और मेरा जो पेट है जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जो मेरा वेल्थ था वो जो बिगड़ गया था, वो डॉक्टर चिराग ठक्कर ने उसका ऑपरेशन किया 3 महीने पहले। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ जो ऑपरेशन के बाद के जो 3 महीने रहे हैं वो मेरा कैसा निकला है, उसमें जो मुझे परेशानियाँ आई हैं, उसका जो निकाल हुआ है उसके बारे में आपके साथ मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। मेरे मुख्यतः 3 प्रकार की मुश्किलियाँ थी। एक था कि सर्जरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं पाता था। पहले मैं लगभग 3-4 रोटी खा लेता था जब भी मैं खाने बैठता था, अब मैं लगभग 1-1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पा रहा था। दूसरी जो मेरी मुश्किल थी कि बहुत जल्दी अगर मैं कुछ खा लूँ तो मेरी अन्न नड़ी में खाना अटक जाता था और धीरे धीरे फिर वो नीचे पेट में उतरता था। तीसरी जो मेरी मुश्किल जो थी वो थी कि मुझे बात करने में मुश्किल हो रही थी, मेरा सांस फूल जाता था। और इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने डॉक्टर चिराग ठक्कर से पहले से भी बात की थी। उन्होंने पहली जो 2 मुश्किलियाँ थी उसके बारे में मुझे समझाया था कि यार ये मुश्किलियाँ होती हैं ऑपरेशन के बाद, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। मेरा जो पहली प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम है कि खाना बहुत जल्दी खा लेना और अटक जाना, और कम खाना मतलब कम खाना खाए, मैं एक साथ में ज़्यादा नहीं खा पाता था। दोनों प्रॉब्लम लगभग 2 महीने के बाद ठीक हो गई। और जो अब मैं 3 रोटियां खा लेता हूँ जब भी मैं बैठता हूँ, और जो खाने उतारने की जो मुश्किल थी वो तो लगभग 1-1.5 महीने में ही ठीक हो गई थी।
तीसरी जो प्रॉब्लम थी कि मैं जो बोल नहीं पा रहा था वो मैंने डॉक्टर चिराग ठाकर से जब बात की थी तो उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब वो ऑपरेशन करते हैं तब जो ऑपरेशन में जो हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे जो एक पूरा फेफड़े के नीचे जो एक चद्दर होती है उसको सिया जाता है और हम जब बातें करते हैं तो हमारे फेफड़ों को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं बात करने में और इसीलिए शायद मुझे तकलीफ हो रही थी बात करने में वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई है। साथ साथ में एक जो मेरी बहुत बचपन की एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी वो थी कि मुझे हर महीने 3-4 बार सिर दर्द हो जाता था और मुझे दवाई लेके फिर सो जाना पड़ता था। पिछले 3 महीने में वो बहुत कम हो गई हैं, लगभग महीने में सिर्फ एक ही बार मेरा सिर थोड़ा सा भारी हो जाता है और सो जाने से ठीक हो जाता है। मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि ये भी एक मेरी मुश्किली दूर हो गई होगी। डॉक्टर चिराग से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार जो हमारे एसिड पेट में पैदा होते हैं अगर वो अन्न नली में आ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की नर्व्स होती हैं हमारे अन्न नली में जो माथे के साथ जुड़ी होती हैं और शायद उसकी वजह से मुझे सिर दर्द हुआ करते थे जो अब क्योंकि ऑपरेशन के बाद वो एसिड ऊपर नहीं आता है इसलिए शायद वो भी ठीक हो गया होगा। तो मैं डॉक्टर चिराग ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन के द्वारा जो मेरी गर्ड और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो तो दूर हुई है लेकिन साथ साथ में मेरा एक बचपन का जो बहुत पुराना मसला था जो मैं मानता था कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ जीना पड़ेगा उसको भी उन्होंने हल किया है। धन्यवाद डॉक्टर चिराग ठाकुर। Don't forget to subscribe our channel for more health related information.